नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और सभी नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी लॉन्च किया है। इसी श्रृंखला में नागपुर में भी CRPF कैंप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। हमारा देश युवाओं का देश है। हमारी युवा शक्ति ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से नए निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब रहे कि रोजगार मेले कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के युवाओं को वितरित किए गए थे नियुक्ति पत्र। नमस्कार। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, NDA और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में
सफल होकर हासिल किया है। इन बिजनेस न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।